to all of you. Today we will explain class 4 chapter 3 new age ways english out of danger. और इस चैप्टर के लिए हमें हमारी सब्सक्राइबर परी ने कहा था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये चैप्टर अपलोड कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. ये चैप्टर पूरा है कि किस तरह से कई बार हमारे जो स्मॉल स्मॉल प्रैंक्स हम करते हैं, लेकिन हमारे और हमारे नियर वंस को उसके कारण खतरा हो सकता है. सो इसी के ऊपर ही ये चैप्टर है कि किस तरह से एक बच्चे के छोटे से मजाक ने एक गर्ल की कहीं ना कहीं तकलीफ में डाल दिया था उनको, ये हम पूरा पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सम चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद इंसेक्ट्स. कुछ बच्चे इंसेक्ट्स के साथ में, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है, कीड़े. तो आपने देखा होगा जो बीज होते हैं, बिहानी बीज होते हैं, वैस्प होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कीड़ियों के साथ में खेलने से इंजॉय करते हैं. दे लव टू पिक अप इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड थ्रो दैम एट अदर्स. वो क्या करते हैं कि वो उस इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, उन कीड़ों को पकड़ते हैं और दूसरों के ऊपर फेंक देते हैं. द चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर हाउ हार्मफुल एनी प्रैंक कैन बी. अवेयर, अवेयर मीन्स होता है कि सचेत होना किसी चीज़ की. द चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर, बच्चे नहीं जानते हैं ये चीज़, हाउ हार्मफुल एनी स्मॉल प्रैंक कैन बी, कि एक छोटा सा मजाक कितना हार्मफुल हो सकता है. हार्मफुल का मतलब क्या होता है, तकलीफ देने वाला, कितना भयानक हो सकता है. क्योंकि इस चैप्टर पे हमें सीखने के लिए मिलेगा प्रैंक. प्रैंक वो होते हैं जो हम कभी मजाक करते हैं किसी के साथ में, जैसे हमने कुछ भी मजाक किया एक इंसेक्ट्स को, जैसे किसी के ऊपर फेंक दिया, कोई भी किसी इस तरह का जो मजाक करते हैं उसे बोलते हैं प्रैंक. एलेक्स ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th वॉज वेरी नॉटी. एलेक्स एक क्लास 4 के स्टूडेंट हैं जो कि बहुत नॉटी थे. बहुत नॉटी मीन्स बहुत बदमाश थे. ही वुड रन आफ्टर द वैस्प विथ हिज बुक इन हिज हैंड. सो एलेक्स एक वास्प के पीछे पीछे भाग रहे थे. अब यहाँ वास्प क्या होते हैं, वास्प आपने नाम से देखा होगा या सुना होगा, एक ततैया, हम इसे हिंदी में ततैया कहते हैं. ये बेसिकली एक डेंजरस इंसेक्ट्स होते हैं जिनके काटने पे येलो कलर के ये रहते हैं जो वास्प है, वो ततैया हम इसे हिंदी में कहते हैं. सो इनके काटने से, इनके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो काटे होते हैं, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं. तो एलेक्स को हमने देखा, एलेक्स एक बहुत बदमाश थे जो कि अपनी बुक से ततैया के ऊपर, वास्प के ऊपर अटैक करते थे, उनको स्मैश करते थे. इसका मतलब स्मैश मीन्स क्रश करना, उसको पूरी तरह से क्रश करते थे. एंड स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है कि चिल्लाते थे, खुश होकर वो वहाँ पर चिल्लाते थे आई एम द विनर. और क्या चिल्लाते थे, वो हमेशा कहते थे आई एम द विनर. तो इस तरह से हमने देखा एलेक्स एक नॉटी बॉय थे जो कि हमेशा इस तरह के वास्प को तंग करते थे और उनको लगता था कि उनको हराकर, उस इंसेक्ट को हराकर वो विनर बन गए. देन ही वुड पिक अप एंड क्रश्ड एंड डेड द इंजर्ड स्क्रिट एंड थ्रू इट ऑन समबडी. उसके बाद वो क्या करते थे, वो उस वास्प को उठाते थे जिसे उन्होंने क्रश किया था, जो डेड और इंजर्ड थे, जो कि मरे हुए या तो फिर पूरी तरह से जख्मी इंसेक्ट्स होते थे, और उसे वो किसी के ऊपर फेंक देते थे. ही लव्ड द डिन एंड द कोस दैट हिज एक्शन वुड क्रिएट. डिन मीन्स नॉइजी डिस्टर्बेंस, जो इस तरह से वो लोगों को परेशान करते थे. कोस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को भी अराजकता फैलाना. सो इस तरह से लोगों को परेशान करके उनको बहुत अच्छा लगता था. यस्टरडे टू एलेक्स वॉज नॉट इन मूड ऑफ लेट द वास्प स्केप हिज अटैक. कल भी ऐसा था कि ये जो एलेक्स थे उनका मूड ये नहीं था कि वो वास्प उनके अटैक से बच जाए. मिसेस राय वॉज बिजी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये एलेक्स की क्लास का सीन है कि मिसेस रॉय एक्सप्लेन कर रही थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्योंकि एलेक्स क्लास 4 पे है. क्लास 4 पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मिसेस रॉय उनको पढ़ा रही थी. व्हाइल एलेक्स हैड फिक्स्ड हिज आई ऑन द वास्प, और पढ़ाते वक्त जो एलेक्स है उन्होंने अपनी आईज, अपनी आंखों को बाहर वास्प के ऊपर फिक्स करके रखी थी. विच वॉज स्ट्रगलिंग टू गो आउट, जो कि बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट थ्रू द विंडो इट रिपीटेडली डैश अगेंस्ट द ग्लास पैन. लेकिन ये जो वास्प थी वो बाहर जाने के अलावा, कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे कीड़े होते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वो बार बार ग्लास में टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं. उसी तरह से एलेक्स की क्लास में भी ग्लास की जो विंडो थी उस पर वो जो इंसेक्ट थी, वो जो वास्प थी, वो टकरा जाती थी बार बार उसमें और गिर जाती थी.
एज सुन एज द बेल रैंग एंड द टीचर लेफ्ट, जैसे ही जो जो बेल है, जैसे ही घंटी बजी उनके क्लास की एंड द टीचर लेफ्ट, और जो टीचर थी वो चली गई, एलेक्स जम्प्ड विथ हिज बुक इन हिज हैंड, ही हिट द वास वेरी हार्ड एंड द हेल्पलेस इंसेक्ट फेल डाउन। एलेक्स तुरंत ही, जैसा कि भी इस पिक्चर पे भी दिखाया हुआ है, एलेक्स तुरंत कूदी उस अपनी बुक को हाथ में लेकर, उन्होंने उस वास्प को अपने हैंड से बहुत ही जोर से मारा और जो हेल्पलेस इंसेक्ट्स थे, जो अब बेचारी जो इंसेक्ट थी वो नीचे गिर गई। इट फ्लटर्ड हिज इट्स विंग अ लिटिल एंड देन जस्ट गिव अप। फ्लटर्ड का मतलब होता है हियर एंड देयर, लहराना। तो ये जो इंसेक्ट थी वो बेसिकली अपने विंग्स को बहुत फैलाती है, इधर उधर लहराती है, लेकिन फाइनली वो गिव अप कर देती है, मतलब नीचे गिर जाती है। एलेक्स विदाउट वेस्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पिक्ड अप एंड स्क्रीम्ड नाउ लैंड ऑन एनो। एलेक्स बिना किसी को भी एक सेकेंड वेस्ट किए हुए उस इंसेक्ट्स को, उस वास्प को उठाते हैं और उसे तुरंत ही वो अनु के ऊपर लैंड कर देते हैं, अनु के ऊपर रख देते हैं। अनु श्रीक्ड बट देयर वॉज नॉट एनी अप्रोर। अनु जो है वो जोर से चूर चीख पड़ी, लेकिन वहाँ कोई हल्ला, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तूफान आ जाए, इस तरह से था। हर श्रील क्राय ऑलमोस्ट इकोड, उनकी जो चीख थी, अब जैसे ही एलेक्स ने वास्प को अनु के ऊपर रखा, अनु ने जोर से चिल्लाया और उनकी जो चीख थी वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का हल्ला नहीं था, इसलिए वो बहुत, उनकी आवाज़ पूरी क्लास में गूंज गई। मिस्टर सिन्हा देयर मैथमेटिक्स टीचर हैड जस्ट वॉकड इन, हैंस देयर वॉज साइलेंस। अब जो मिस्टर सिन्हा थे, जो उनके मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो अभी अभी इस क्लास में आए हुए थे, इसीलिए वहाँ पूरी तरह से शांति थी। बट अनु वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, लेकिन जो अनु थी वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी, वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। द वास्प वॉज नॉट डेड, जो वास्प थी वो मरी हुई नहीं थी। एलेक्स थॉट दैट ही हैड थ्रोन अ डेड वास्प। एलेक्स को ऐसा लगा था कि उन्होंने अनु के ऊपर एक डेड वास्प रखी है। बट नो, द वास्प वॉज नॉट डेड, लेकिन नहीं, जो वास्प थी वो मरी नहीं थी। इट वॉज ग्रीवियसली इंज्योर्ड। ग्रीवियसली का मतलब होता है कि दर्द के साथ, वो जो वास्प थी वो एक दर्द के साथ में इंजर्ड हो गई थी, द मीन्स घायल हो गई थी। द इंजर्ड वास्प अनअवेयर हु इज हिनेमी वॉज डिसाइडेड टू अनु अनु द इनोसेंट वन। अब जो वास्प थी, ये जो इंजर्ड वास्प थी, उनको पता नहीं था कि उनका दुश्मन कौन है, क्योंकि एलेक्स ने तो उनको अपनी बुक से, आपने देखा किस तरह से इंजर्ड कर दिया, लेकिन ये जो वास्प थे उनको पता नहीं था कि उनका असली इनेमी कौन है, इसीलिए ही वो अनु के ऊपर अटैक कर दी, जो कि बहुत ही इनोसेंट थी, मासूम थी। द वास्प इन अ ग्रेट पेन, इट्स विंग वर ऑलमोस्ट क्रश्ड एंड क्रैक्ड। जो वास्प थी वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, इसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, वो पूरी तरह से मसल गए थे, क्रश हो गए थे और टूट गए थे। द चिल्ड्रन ट्रबल अस फॉर नो रीज़न, जो बच्चे हैं वो बिना किसी वजह के हमें ट्रबल दे देते। ये किनका स्टेटमेंट है? ये वास्प का स्टेटमेंट है। वास्प अपने आप को बोलती है कि ये जो बच्चे हैं वो बिना किसी कारण के हमें इतनी परेशानी देती है। आप खुद भी सोचिए कि एक वास्प जो कुछ भी नहीं कर रही थी उस बच्चे का, उसने उसे इतना पेन दे दिया। इट्स विंग वर एवरी डे दे किल वन ऑफ अवर फैमिली मेम्बर। वास्प सोच रही है कि एवरी डे ये जो बच्चे हैं हर रोज़ किसी न किसी हमारे परिवार के सदस्य को मार देते हैं। टुडे आई विल नॉट स्पेयर दिस नॉटी फेलो। आज मैं इस नॉटी फेलो का मतलब बदमाश, इस बदमाश को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। ये वास्प सेड द वास्प हिमसेल्फ एज स्ट्रगल टू ब्रेथ। अब ये जो वास्प है वो खुद से बोल रही थी, क्योंकि वो अपनी खुद की सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए बोल रही थी। क्यों वास्प ऐसा कह रही है? वास्प को नहीं पता था कि एलेक्स ने इस उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन वास्प को ये लगा कि सारे बच्चे, उनको ऐसा लगा कि जो अनु है, जहाँ वो है वही उन्होंने ही उसे अटैक किया, इसीलिए उन्होंने उसे इंजर्ड। अब उस वास्प ने ऐसा खुद को कहा, और उसके बाद वास्प ने अनु के साथ क्या किया ये हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा। आई विल इंजेक्ट माई टॉक्सिक फ्लूइड थ्रू माई नीडल लाइक स्टिंग। अब आपने देखा होगा जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एक स्टिंग होती है, कांटे होते हैं। सो यहाँ पे वास्प अपने आप को बोलती है
कि मैं अपनी जो टॉक्सिक फ्लूइड है, मतलब मेरा जो जहरीला पदार्थ है, जो फ्लूइड्स है, उसे मैं इस नीडल अपने कांटे के थ्रू मैं इसे इंजेक्ट कर दूंगी, इस गर्ल के में इंटर कर दूंगी, इंस्टेड टू माइक्रोग्राम्स ऑफ 2 माइक्रोग्राम्स आई विल इंजेक्ट फुल 15 माइक्रोग्राम्स ऑफ माई विनम. 2 माइक्रोग्राम्स में नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर कीड़े काटते हैं तो 2 माइक्रोग्राम्स के आसपास उनका विनम्स मीन्स उनका जो जहर होता है वो लगता है. बट ये जो इंसेक्ट होती है वो बोलती है कि मैं तो पूरा अपना 15 पूरे का पूरा 15 माइक्रोग्राम विनम जो है वो उस गर्ल के ऊपर इंजेक्ट कर दूंगी. आई फील सॉरी फॉर चाइल्ड बट नो वन थिंक अबाउट अस. मुझे इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है लेकिन हमारे बारे में कौन सोचता है. सो आई विल, इसीलिए मैं करूँगी. अब ये जो इंसेक्ट है उनकी स्टोरी बता रहे हैं कि जो इंसेक्ट थी वो इतने दर्द में थी कि उनको लगता है कि बच्चे हमारे फैमिली मेम्बर को डेली मार देते हैं बिना वजह के, इसीलिए आज मैं पूरा का पूरा अपना जितना भी वीना में मेरा जहर है वो पूरा इस बच्चे के ऊपर अटैक कर दूँगी. अनु गेव आउट अनदर क्राई. अब अनु फिर से जोर से चिल्लाती हैं. शी रश्ड टू द टीचर. वो तुरंत ही टीचर के पास जाती हैं. हर नेक वॉज रेड. उनकी जो नेक थी, गला था, वो पूरी तरह से लाल हो गया था. सर, एलेक्स हैज थ्रोन अ वास्प एट मी. आई एम एलर्जिक टू इट्स स्टिंग. सोब्ड अनु. सोब्ड मीन्स सिख सकना. अब अनु ने, क्योंकि अनु को बहुत जोर से वो उनका विनम लगा था, तो इसीलिए अनु बोलती है कि सर, एलेक्स ने एक वास्प मेरे ऊपर फेंक दी जिससे मुझे एलर्जिक हो गई है, जिससे मुझे उसे परेशानी हो रही है. ऐसा सिसकते हुए रोते हुए अनु ने कहा, सर इट्स पेनिंग इट्स ईचिंग. सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और बहुत खुजलाहट भी हो रही है. देयर इज़ अ रेडनेस एंड स्वेलिंग. जस्ट से काम. आई विल रिमूव द स्ट्रिंगर, सेड मिस्टर सिन्हा. अब यहाँ पे मिस्टर सिन्हा अनु को जब इस कंडीशन में देखे तो वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ लाल रेडनेस तो है, लाल जैसा है, स्वेलिंग सूज भी गया है. थोड़ा सा शांति से रहो, मैं सबसे पहले उनका स्टिंग निकाल रहा हूँ. द स्टिंगर कैन बी इजिली रिमूव्ड बाई पेयर ऑफ फोरसेप्स. सो यहाँ जो स्टिंग था उसे फोरसेप्स वो होती है जो एक चिमटी की जैसी रहती है जिससे हम टैक्स लगाते हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ द फोरसेप्स आर द काइंड ऑफ द सदंश भी कहते हैं हम इसे, जिससे कि चिमटी जैसी रहती है जिससे हम निकालते हैं. सो यहाँ पे जो मिस्टर सिन्हा है वो स्टिंगर्स को रिमूव कर देते हैं फोरसेप्स से. बट नाउ आई विल स्क्रैप द स्टिंगर विथ माई क्रेडिट कार्ड. लेकिन अब मैं ये जो स्टिंगर्स है उसे अपने क्रेडिट कार्ड से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा. द चिल्ड्रन वर शॉक्ड. दे वर शॉक्ड टू सी देयर फ्रेंड पेन फॉर ब्रेथ. अब जो बच्चे थे वो शॉक हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनकी जो फ्रेंड है वो किस तरह से एक एक सांसों के लिए तड़प रही है. मिस्टर सिन्हा कामली स्क्रैप्ड एंड रिमूव्ड द स्ट्रिंगर. मिस्टर सिन्हा ने धीरे से बहुत ही शांति से वो जो स्ट्रिंगर थी, वो जो उनका काटा था, उसे उन्होंने पूरी तरह से निकाल दिया और स्क्रैप कर दिया. वंस द स्ट्रिंगर वॉज रिमूव्ड अनु फेल्ट बेटर. एक बार जैसे ही उन्होंने उस काटे को उसके अनु के नेक से निकाला, अनु को अच्छा लगने लगा. मिस्टर सिन्हा सेंड हर टू द स्कूल डिस्पेंसरी फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. मिस्टर सिन्हा उनको स्कूल की डिस्पेंसरी, जो स्कूल की हमारी डिस्पेंसरी होती है, उसमें उन्होंने उनको भेज दिया, अनु को भेज दिया आगे की ट्रीटमेंट के लिए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इफ अ पर्सन एलर्जिक टू स्टेंट ही हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम. उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर कोई भी बच्चे को इस तरह से इंसेक्ट से एलर्जिक होती है सो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, लाइक न्यूजिया एंड सफोकेशन. जिस तरह से हमें दम घुटता है नज़ल्स में, उस तरह की हमें सांस लेने में तकलीफ होती है. इन सब केस अ वास्प स्टिंग कैन बी फैटल टू. कुछ केसेस में जो वास्प की स्टिंग है वो लोगों को फैटल मीन्स बेहोश भी कर सकती है. मिस्टर सिन्हा एडवाइज्ड एलेक्स टू बी सेंसिबल एंड आस्क हिम टू बी केयरफुल इन फ्यूचर. मिस्टर सिन्हा ने अब एलेक्स को थोड़ा सा दिमाग से काम लेने के लिए बोला, सेंसिबल होने के लिए बोला. उन्होंने मिस्टर एलेक्स को बताया कि उनकी ये जो छोटा सा प्रैंक था अनु के लिए कितना डेंजरस हो सकता था. तो उन्होंने एलेक्स को बताया कि थोड़ा सा सेंसिबल बने, थोड़ा सा जिम्मेदार बने और फ्यूचर भविष्य के लिए वो थोड़े केयरफुल रहें. द इंज्योर्ड वास्प ले ऑन द बेंच फ्लटरिंग. इट्स फ्रेंड केम थ्रू द विंडो लुकिंग फॉर इट.
अब ये जो इंज्योर्ड वास्प थी वो भी बेंच पे फ्लटरिंग कर रही थी, मतलब वो तड़प रही थी बेंच पे, अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी. सो इट्स फ्रेंड कम, उनके जो फ्रेंड आते हैं होते हैं वो आते हैं, वो आए थ्रू द विंडो लुकिंग फॉर इट, विंडो से आकर और उनको देखने लगते हैं. द चिल्ड्रन वर स्टिल डिड नॉट स्टियर, द चिल्ड्रन वर स्टिल दे डिड नॉट स्टर. स्टर का मतलब होता है हलचल होना. अब ये जो बच्चे थे उनके बीच में कोई भी हलचल नहीं थी, वो लोग शांत बैठे हुए थे. द वास्प होवर्ड ओवर द इंजर्ड फ्रेंड एंड वेंट आउट क्विकली थ्रू द अदर विंडो. अब ये जो वास्प थी वो आई अपनी इंजर्ड फ्रेंड के ऊपर में और चुपचाप वो दूसरे विंडो से चली गई. इट अपीयर्ड टू से, ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हैं, माई फ्रेंड इज हर्ट सो इज योअर्स, मेरी फ्रेंड को आपने हर्ट किया, मेरे दोस्त को तुमने हर्ट किया, इसीलिए तुम्हारी भी फ्रेंड हर्ट हुई. योर इनसेंसिटिविटी द ओनली कॉज, तुम्हारी जो इनसेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी मतलब तुम्हारा जो इस तरह से निर्ममता है, तुम जिस तरह से लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, द ओनली कॉज, यही कारण है. डोंट हर्ट अस प्लीज़, वी आर योर फ्रेंड्स, प्लीज़. अब यहाँ पे जो वास्प है वो कह रही है डोंट हर्ट अस, हमें हर्ट ना करें कृपया, हम आपके फ्रेंड हैं. द वास्प एंड बीज डोंट हर्ट अस प्लीज़, द वास्प न कि नहीं वास्प को नहीं बीज को मधुमक्खी को, डोंट हर्ट अस प्लीज़, कृपया हमें हर्ट ना करें. एलेक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही फेल्ट बैड फॉर अनु एंड वास्प टू. एलेक्स को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, उनको बुरा लग रहा था अनु के लिए और वास्प के लिए, दोनों के लिए. ही प्लेज्ड, उन्होंने शपथ ली दैट ही वुड नॉट हार्म एनी इंसेक्ट अगेन, कि आज के बाद वो कभी भी किसी इंसेक्ट को परेशान नहीं करेंगे. तो ये थी पूरी स्टोरी, पूरी एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3 आउट ऑफ डेंजर. हमने देखा किस तरह से एक छोटा सा प्रैंक एलेक्स का अनु के लिए डेंजरस हो गया था. साथ ही साथ वो जो वास्प है, अगर आप किसी की जान बचा नहीं सकते तो हमें किसी का जान लेना भी नहीं चाहिए, करेक्ट. एक एक जिस तरह से हमारे लिए, हमारी खुद की, आप खुद सोचिए, अगर हमें कोई इस तरह से क्रश करने का सोचे तो हमें कैसा लगेगा, वी विल फील वेरी बैड. सिमिलरली इंसेक्ट्स को भी लगता है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल. लेट्स स्टार्ट MCQ क्वेश्चंस. एलेक्स वुड रन आफ्टर द वास्प विथ हिज डैश. एलेक्स जो था वो हमेशा जब भी वास्प को देखता था वो किसके साथ रन करता था, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एलेक्स किसके साथ में रन करते थे, अपनी बुक के साथ में. सो बुक इज द ऑप्शन नंबर डी, आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे. द वास्प कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट रिपीटेडली डैश अगेंस्ट द, जो ग्लास थी वो, जो वास्प थी वो बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो किससे टकरा रही थी बार बार, ग्लास पेन. ऑप्शन नंबर सी ग्लास पेन लिखा हुआ है, तो ग्लास पे आप टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज बाइट, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब सेम होता है काटना, काटना. तो स्ट्रिंग हमने देखा था, स्ट्रिंग इज द सेम. सो फोर्सेप्स वर्ड्स दिया हुआ है, फोर्सेप वर्ड का मतलब होता है चिमटी से, चिमटी. इचिंग का मतलब होता है खुजलाना, स्क्रैप का मतलब होता है खराब करना. सो स्ट्रिंग वर्ड, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द वास्प इंजेक्टेड इट्स टॉक्सिन फ्लू विथ डैश, जो वास्प होती है वो अपना टॉक्सिक फ्लूड किसके थ्रू इंजेक्ट करती है, हमने देखा था इंजेक्शन नो, स्टिंगर्स नो. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इट विल बी द नीडल लाइक. सो नीडल विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. अब क्वेश्चन आंसर पे आप स्कूल्स पे मैम भी आपको क्वेश्चन आंसर देती हैं, आप ऐसा अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे रहेंगे. हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन अनु श्रिंक्ड, सारे जो बच्चे थे वो कैसे रिएक्ट किए जब अनु जो थी वो श्रिंक्ड हो गई. सो ऑल द चिल्ड्रन वर साइलेंट एंड स्ट्रेंज, सो दैट यू कैन राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड अबाउट एलेक्स हिट द वैन हेलेट, एलेक्स हिट द वास्प, वॉट इज हैपनिंग. तो एलेक्स ने जब हिट किया था वास्प, तो हमने देखा था कि जो वास्प थी वो इंजर्ड होके नीचे गिर गई थी. वाई वॉज अनु क्राइंग, अनु वॉज क्राइंग बिकॉज द वास्प इंजेक्ट इट्स स्ट्रिंग ऑन द अनूज नेक, दैट्स वाई. वॉट डिड मिस्टर सिन्हा डू टू सूदन अनूज पेन, अनु को के पेन के लिए मिस्टर सिन्हा ने क्या किया था. सो हमने देखा था मिस्टर सिन्हा हैज़ जस्ट removed the stingers from Anu's neck to Sudhan's Anu's pen. What did we learn from the story? ये important है कि आपने इस story से क्या सीखा. We learn from the story, we should never hurt any
इंसेक्ट्स और एनी स्पीशीज इन द अर्थ. हमें कभी भी किसी को विदाउट एनी मीनिंग, हमें मीनिंगलेसली फॉर फन के लिए कभी भी किसी भी इंसेक्ट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. साथ ही साथ हमने ये देखा, वी शुड नॉट मेक एनी प्रैंक विच कैन बी हर्ट अदर्स. दैट इज़ द वी शुड बी मोर सेंसिबल एंड वी शुड बी मोर केयरफुल टुवर्ड्स द इंसेक्ट्स. दैट इज़ द आवर स्टोरी एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट. And please like and subscribe our channel if you like it. Thank you for watching this video. Thank you so much.